नमस्कार दोस्तों, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं भैया ये सीबीएसई ने क्यों किया है, ऐसा ये सिस्टम क्यों आया नया इस तरह का। तो जो अभी दो बार में एग्ज़ाम लेने की बात हुई है, इसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बहुत बड़ा बताता हूँ। सरकार इस बार बहुत सारी पीएल होने से परेशान हो गई थी, ये मेरा पर्सनल थॉट है जो मुझे लगता है। बार बार पीएल कर रहे थे लोग, छोटी छोटी बात पर पीएल कर रहे थे, सीबीएसई की 10th की स्कीम पर, स्कीम के खिलाफ लोग कोर्ट चले गए, प्राइवेट एग्ज़ाम के खिलाफ कोर्ट चले गए, सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिलेशन के खिलाफ कोर्ट चले गए, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के खिलाफ कोर्ट चले गए, यहाँ तक कि सीबीएसई ने जो मार्क्स देने की जुगाड़ बनाया था, रिजल्ट देने का जुगाड़ बनाया था, उसके खिलाफ भी चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सीबीएसई इस बात से परेशान हो गई थी कि यार बार बार लोग पीएल लेके चले जाते हैं, तो सरकार को बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सरकार ने इससे बचने के लिए अब एक सिस्टम बना दिया है पूरा कि लॉकडाउन हुआ तो क्या होगा, लॉकडाउन नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे हिसाब से तो अब जो है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो बार आपके एग्ज़ाम होंगे, अगर लॉकडाउन लगता है तो एग्ज़ाम आपके घर पे होंगे ऑब्जेक्टिव या फिर एमसी मतलब ऑनलाइन। अगर कोई बच्चा कहेगा कि ऑनलाइन नहीं दे सकता मैं, तो उसको एक ऑफलाइन पेपर दिया जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ मॉडल था इस बार का, तो वो बच्चा घर से ही पेपर सोल्व करके जमा कर देगा। और अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो आपको एक सेंटर पर जाना पड़ेगा, हो सकता है आपके स्कूल में एग्ज़ाम हो लेकिन वहाँ पर जो है दूसरे एग्ज़ामनर आएंगे सीबीएसई के एक्सटर्नल, उनकी देखरेख में आपका एग्ज़ाम होगा। और जो यूटी होंगे वो भी पेपर सीबीएसई भेजेगी, मतलब सीबीएसई थोड़ा सा फ़ायदा भी कर रही है आपका और स्कूलों को थोड़ा पकड़ भी रही है, कंट्रोल भी कर रही है। अब ये नहीं कि जो यूटी होते थे ना, अब तक पेपर स्कूल बनाते थे टीचर्स सारे, अब क्या होगा स्कूल वालों को पेपर सीबीएसई देगी, चेक स्कूल वाले करेंगे लेकिन उनको मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे, मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई देगी, यहाँ तक कि यूटी के मार्क्स भी सीबीएसई देगी। सोचो कि किस तरह मार्क्स देने हैं, यूटी की मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई बताएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया पूरा सिस्टम को, और दो बार एग्जाम होंगे, 90 पेपर का ऑब्जेक्टिव पेपर, 90 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का ऑब्जेक्टिव पेपर, फर्स्ट टर्म दिसंबर में नवंबर में होगा, सेकंड टर्म अप्रैल और मार्च में होगा, और दोनों को 50-50% सिलेबस का वेटेज दिया जाएगा और बच्चे के जो मार्क्स होंगे टोटल जोड़कर दिए जाएंगे। मान लो फर्स्ट टर्म में लग गया लॉकडाउन तो सेकंड टर्म के मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और अगर सेकंड टर्म में लॉकडाउन लग गया फर्स्ट टर्म हो गया था तो फर्स्ट टर्म के इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है पीएल करने की वजह से सीबीएसई ने स्टेप उठाया है, हालांकि इसका फ़ायदा होगा बच्चों को और कुछ नुकसान भी होंगे जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, अब हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के हिसाब से पढ़ाना शुरू करेंगे। अनुराग टेकलाल, लव यू ऑल।